सीतापुर के थाना हरगांव इलाके से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है एक गांव में मेले के आयोजन में दुकान रखने को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद दो पक्षों में काफी लाठी डंडे व ईंट पत्थर चलने की सूचना मिल रही है। आपको बता दें, बताया जा रहा है कि मामले में एक पुलिस कर्मी भी घायल हुआ है। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर, हम सीधे चलते हैं आई इंडिया के हरगांव संवाददाता अनूप कुमार रस्तोगी जी के पास। तो सर बताएं, क्या पूरी जानकारी है? अरुणेश जी, आपको बता दें कि ये मामला जो है बृहस्पतिवार को वहाँ पे एक मेला जो है महमद बाबा की बाजार है उस पे एक मेले का आयोजन रात में हुआ था। जो वो मेला लगा था उसमें एक जो है ठेला लगा हुआ था चने का, तो वो जो है कब्रिस्तान के अंदर था। तो उसमें जो है उसको जो वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि है अच्छन खां, उनके पक्ष के लोगों ने कहा कि इसको यहाँ से हटा लीजिए, आप दूसरी जगह लगा लीजिए। इस पर जो पूर्व प्रधान है शमशाद खां और मुन्ना, उनके लड़के ने एतराज जताया और कहा ये ठेला यही लगेगा। इस बात पर विवाद हो गया और विवाद में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। ये बृहस्पतिवार की घटना है। इस मारपीट की दोनों पक्षों द्वारा यह थाना हरगांव में दूसरे दिन प्रार्थना पत्र दिया गया, मतलब कल जो है प्रार्थना पत्र दिया गया इस संबंध में, लेकिन पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई जो है नहीं की गई। और जो चौकी इंचार्ज है विनोद कुमार सिंह, ये चूंकि ककराही चौकी हरगांव थाना के अंतर्गत लगती है, उस क्षेत्र का मामला है, तो वहां के जो चौकी इंचार्ज है विनोद कुमार सिंह, वो जो है सुलह समझौता कराने का प्रयास करते रहे। जब ये प्रयास इनका विफल हो गया तो आज जो है आज फिर शायद सुलह समझौता होना था, लेकिन आज जो है जो पूर्व प्रधान है शमशाद खां और मुन्ना, ये कई बार प्रधान रहे हैं और थोड़ा जो है दबंग भी माने जाते हैं, तो इन्होंने जो है आज इनके पक्ष के इनके पुत्र व इनके साथियों ने आज जो है वर्तमान प्रधान जो अच्छन खां हैं इनके ऊपर जो है इनके घर के ऊपर जो है हमला कर दिया। तो दोनों पक्षों से फिर जो है लाठी डंडे ईंटा पत्थर कांच की बोतलें सभी कुछ जो है प्रयुक्त हुई, लेकिन जो है मौके पर वर्तमान प्रधान का कहना है कि हमने ही फोन करके पुलिस को बुलाया, तो जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो इनको लोगों को रोकने का प्रयास करती है। जब ये नहीं रुकते हैं तो जो चोटिल सिपाही है सुभाष वर्मा, उसने बताया कि हमने थाने को अवगत कराया तो थाने से कहा गया कि फोर्स भेजी जा रही है, आप तब तक वीडियो बना लें। तो कहना हम वीडियो बना रहे थे, सुभाष वर्मा जो चोटिल सिपाही उसने बताया कि वीडियो बना रहे थे, तभी मस्जिद के अंदर से जो पथराव हुआ उसी में हमारे ईंटा लगा और मैं वहीं गिर गया और हमारे खर्च जो है सर से खून निकलने लगा। तो ये आपको बता दें कि इस जो जो ये मारपीट आपस में हुई है इसमें जो है 5 लोग घायल भी हुए हैं अरुणेश जी। एक महिला है मुन्नी बेगम, यासीन खां है, नसीम खां है, वसीम खां है, तौसीद खां है, जिनका CSC में इलाज चल रहा है। ये लोग घायल हुए हैं, इनका हरगांव CSC पे इलाज चल रहा है और आपको बताएं कि जो है सिपाही का भी इलाज चल रहा है। अनूप जी, एक चीज जानना चाहेंगे, क्या इस मामले में आपकी पुलिस अधिकारियों से अब कोई बात हो पाई है? जी, अब इस संबंध में थाना अध्यक्ष हरगांव जो अरविंद पांडे हैं उनसे बात हुई है हमारी, तो उन्होंने बताया कि जो है ये मामला जो है इसको जो है कल सबसाइड होना था लेकिन नहीं हो पाया और आज इन्होंने जो है मारपीट कर ली, उसमें सिपाही भी घायल हो गया है। अब उसी सिपाही की तहरीर पर जो है दोनों पक्षों के दर्जनों लोगों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ये पूरी जानकारी है, आपको बता दें जो है सीतापुर के थाना हरगांव इलाके में गांव पड़ता है मोहरसा, जहां मेले का आयोजन किया गया था महमद बाबा की मजार पर, वहां दुकान रखने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, पुलिस की कुछ हिलावाली हुई, जिसके बाद आज फिर से उसी मामले में जो है ईंट गुम्मे चले और जो है बताया जाता है कि एक पुलिसकर्मी का भी सिर उसमें फूटा है। थाना प्रभारी जो हरगांव है उनका कहना है कि पुलिस कर्मी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, 5 लोगों को हिरासत में लिया गया है जबकि अन्य की तलाश अभी जारी है। तो ये पूरी जानकारी है, आई इंडिया लगातार इस मामले में अपनी नज़र बनाए हुए है, आगे क्या कुछ निकल कर आता है वह भी सबसे पहले और सबसे सटीक हम अपने दर्शकों को बताएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी।